मेरी आवाज आ रही है ठीक no, <laughs> है स्टार्ट करते हैं लास्ट क्लास में हमने देखा था कि सुपर एलिवेशन की इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं ठीक है हमारे पास एक्सीलरेशन होता है पीएल टू डब्ल्यू जी वी स्क् रेडियस ऑफ कर्व, वेलोसिटी वेट एक्सीलरेशन। उसी से हमने जब किसी एक व्हीकल को अपने एक स्लोप पे रखा यानी कि सुपर एलिवेशन पे रखा तो वहां पर जो ट्राइंगल बने थे उसकी प्रॉपर्टी से टेन थीटा बराबर एच बाई बी एच क्या है इसलिए मैं ये दोबारा बता रहा हूँ क्योंकि इसका अभी यूज होगा थीटा और ये थीटा थीटा तो टू बाई बी एच को आप याद रखना कि सुपर एलिवेशन होता है एच और आप बी को याद रखना बी होती है विड्थ ऑफ रोड ठीक है और उसके बाद थीटा बराबर हमारा पी बाय डब्ल्यू आ गया था ठीक है ये दो चीजें याद रखना एच हो गया आपका एलिवेशन सुपर एलिवेशन और आपका बी हो गया आपका विर्थ ऑफ द रोड ठीक है उसके बाद ये हो चुका था जहां पर हमारे पास एक इक्वेशन निकल के आई थी एच इज इक्वल टू बी वी स्क्वायर बाय जी आर सारे पैरामीटर्स इसमें जो वेरिएबल हैं सारे आपको पता है एच सुपर एलिवेशन बी जो है कैपिटल बी द रोड वी है वेलोसिटी ऑफ द व्हीकल है ग्रेविटी एसिलेशन आर है रेडियस ऑफ द कर्व ठीक है अब यहाँ पे आ रहा है कि मैक्सिमम सेंट्री रेशियो क्या होगा पहली बात तो सेंट्री रेशियो क्या होता है वो पी बाई डब्ल्यू को ही हम बोलते हैं सेंट्री रेशियो जैसे कि आपको पता है कि पी की इक्वेशन क्या होती है डब्ल्यू बाई जी वी स्क्वायर बाय आर अगर हम W को इधर नीचे ले जाएं तो P by w, सर वॉइस बहुत ब्रेक हो रही है। V बाब्लूर अपॉन G R ऐसा तो होना चाहिए किसी और को भी ऐसा लग रहा है या नहीं ठीक नहीं, है सर ठीक है ठीक है तो अगर हम P बाय डब्ल्यू का रेशो थोड़ा धीरे बोल लेता हूँ और थोड़ा स्लो P बाय डब्ल्यू का रेशियो हम निकालते हैं तो हमारे पास इक्वेशन आ जाती है वी स्क्वायर बाई जी आर इसी को बोलते हैं हम सेंट्री रेशियो रेशो अब ये कह रहा है कि कितना रखना चाहिए जिससे जो ड्राइवर है उसको कम्फर्ट रहे ना कि स्पीड वाले ड्राइवर को बल्कि जो स्लो चला रहा है कर्व पर उसको भी कम्फर्ट रहे और मतलब आराम से वो चला सके उसको कोई दिक्कत ना हो एक स्पीड में ले जा रहा है उसको भी कोई दिक्कत ना हो उसका व्हीकल ओवरटर्न ना हो और साथ में जो स्लो चला रहा है उसको भी कोई दिक्कत ना हो जो स्लो चलाते हैं ना वो अंदर की ओर ऐसा लगता है कि अंदर सेंटर की ओर खिंच रहे हैं और जो स्पीड से चलाते हैं उनको सेंट्रिफिकल फोर्स उतना ही ज़्यादा लगता है वो आउटर की ओर खिंचते हैं ठीक है तो ये रेशियो ऐसा हम क्या रखें तो जो रिसर्च से इन्वेस्टिगेशन से पाया गया कि भाई जब हम आर को इंक्रीज़ कर रहे हैं तो ये वैल्यू डिक्रीज़ हो रही है ठीक है तो हम कंफर्ट दिलाने के लिए ड्राइवर को जो रिसर्च से पता चला कि हाईवे के लिए इसकी वैल्यू वन बाई फोर और रेलवे के लिए इसकी वैल्यू वन बाई एट रखें ठीक है यानी कि पी बाय डब्ल्यू हाईवे के लिए कितना हो जाएगा वन बाई फोर और इसको इक्वल टू हम इसके भी रख सकते हैं वी स्क्वायर जी आर ये है हाईवे के लिए यहाँ जो दिया हुआ है ये रहा हाईवे ठीक है और यहाँ से फिर हमने वेलोसिटी निकाल ली तो वेलोसिटी हमें व्हीकल की वेलोसिटी पता चल गई कि हाईवे के लिए वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए जहां पर हम ट्रांजिशन कर प्रोवाइड करेंगे इसी तरह रेलवे के लिए वन बाय एट दिया हुआ है रेशियो पी बाई डब्ल्यू का पी बाई डब्ल्यू का रेशियो वन बाई एट दिया हुआ है रेलवे के लिए वहां से हमारी वेलोसिटी ये निकल गई तो ये था मैक्सिमम रेशियो फॉर ट्रांजिशन कर्व पी बाय डब्लू अब मिनिमम की बात आती है तो मिनिमम में भी कुछ इन्होंने कहा है इन्होंने कहा है कि मिनिमम में आर की वैल्यू आप ये ले लो तो वो मिनिमम वैल्यू कहलाएगी जिससे लिखा हुआ पढ़ देता हूँ मैं आर गिवन वैल्यू व्हीकल कंफर्टेबली सेफली ओवर द कर्व ऑफ रेडियस आर द मिनिमम वैल्यू ऑफ आर ऑफ़ द कर्व फॉर गिवन स्पीड वी सो दैट द व्हीकल कैन पास सेफली तो उन्होंने कहा कि हाईवे के लिए आर की वैल्यू ये ले लो और रेलवे के लिए ये ले लो ठीक है आर इजक्ल टू फोर वी स्क्वायर बाई जी और आर इज टू एट वी स्क्वायर बाई जी एक बात और मैं बता दूं आपको ये जो कर्व वाला चैप्टर है ना आपका ये ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग के लिए होता है और ये सर्वेइंग भी इसमें शामिल है सर्वेइंग का मतलब होता है कि हमें ग्राउंड पे पॉइंट एस्टेब्लिश करने हैं उसकी ड्राइंग बनानी है उसका मैप करना है मेजरमेंट लेनी है ठीक है और ट्रांसपोर्टेशन में हमें डिज़ाइन करनी है रोड कि कर्व कैसी होगी व्हीकल को कोई दिक्कत ना हो स्पीड कितनी न कितना तो ये जो आपका सर्वेइंग में दोनों का मिक्स दिया हुआ है या ज़्यादा डिटेल में भी नहीं जाना ट्रांसपोर्टेशन के हमें सर्वेइंग की लिमिट तक रहना है ठीक है इसलिए ये चीज़ें कॉन्स्टेंट दी हुई है आप जैसे मैंने बता रहा हूँ कि वन बाई फोर वन बाई एट रिसर्च और आन डी आर एन डी के हिसाब से ली हुई है लेकिन आप ट्रांसपोर्टेशन में पढ़ोगे इसे तो ये और डिटेल में होगा कैसे आई आर की वैल्यू हाईवे के लिए फोर व्हील स्क्वायर पॉइंट जी क्यों आई है रेलवे के लिए एट वी स्क्वायर फोन जी क्यों आई है ठीक है तो ये था आपका मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू ऑफ सेंट्री फोर्स के रेशियो की टाइप ऑफ ट्रांजिशन कर्व ठीक है तीन टाइप की ट्रांजिशन कर्व होती है उसको जूम कर लेता हूं मैं ये क्यूबिक स्पायरल सेकेंड होते क्यूबिक पैराबोला और थर्ड होती है लेमिनिस्केट कर्व तीन तरह की कर्व होती है जैसे कि मैंने बताया लास्ट में कि सर्कुलर कर्व और जो स्ट्रेट रोड है उनको कनेक्ट करने वाली कर्व को ट्रांजिशन कर्व कहते हैं वो सारी डिपेंड वो कर्व बिल्कुल यूनिफॉर्म है किस टाइप की कर्व डिपेंड करता है आपका कहाँ के लिए बना रहे हैं कितना स्पेस अवेलेबल है बहुत सारे पैरामीटर पर पे डिपेंड करता है और ट्रांसपोर्टेशन में आप पढ़ोगे ठीक है और यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है क्यूबिक स्पायरल क्यूबिक पैराबोला ये दो फर्स्ट टू जो आपकी कर्व हैं आर बेस्ट सिटेटेड ऑन रेलवे रेलवे के लिए बेस्ट है ये और लेम कर्व जो है वो हाईवे के लिए बेस्ट है जैसे मैंने अभी बताया कि डिपेंड करता है प्रोजेक्ट किस टाइप का और स्पेस कैसा अवेलेबल है स्पीड हमें कितनी रखनी है फॉर एग्ज़ाम्पल आपको एक हाईवे बनाना है और हाईवे वे आपको इसलिए बनाना है कि यहाँ से हाई स्पीड व्हीकल गुजर सके यहाँ से जल्दी से ज़्यादा अपने टारगेट पे पहुँच सकें हाई स्पीड के लिए आप बना रहे हो हाईवे तो वहाँ पर जो कर्व दोगे उस कर्व में सारी चीज़ें आप क्या ध्यान रखते हुए डिजाइन करोगे कि स्पीड हाई रखनी है ठीक है और कुछ रोड ऐसे होती है इसमें ट्रैफिक के ऊपर डिपेंड करता है ट्रैफिक कम है तो लोग हाई स्पीड से जाते हैं ट्रैफिक ज़्यादा है तो लो स्पीड से जाते हैं ठीक है तो अब ये क्यूबिक स्पायरल है जो फर्स्ट वाली आपकी कर्व है ट्रांजिशन कर्व ये इस तरह की दिखती है और इसको डिजाइन करने के लिए कुछ ये इक्वेशन है आपका वाई इजल टू एल क्यू बाई सिक्स आर वाई ऑफसेट है परपेंडिकुलर ऑफसेट ऑफसेट मिलते जाएंगे तो पॉइंट चेंज मिलते जाएंगे कर्व के हमें l है आपकी कर्व की लेंथ डिस्टेंस जो एक वाई डिस्टेंस पे है और r है रेडियस ऑफ द कर्व और l है लेंथ ऑफ द फुल ट्रांजिशन कर्व ये चारों पैरामीटर दिए हुए हैं और इक्वेशन है वाई एल क्यू अपॉन सिक्स आर ये आपको एज इट ऐसे याद कर लेनी है ठीक है इसमें कुछ ऐसा समझना नहीं है याद कर लेनी है y is equal to l cube by 6r ठीक है इसके बाद आपका आता है सेकंड वाले का क्यूबिक पैराबोला क्यूबिक पैराबोला में भी आपको बस इक्वेशन याद कर लो उसकी ड्राइंग याद कर लो y is equal to x cube upon आर केवल क्या है, डिफरेंस है ऊपर वाले और नीचे वाले में क्या डिफरेंस है वहां पे एल क्यूब लिया हुआ था और यहां पे लिया हुआ है एक्स क्यूब एक्स क्या है? नहीं हो किसी को है किसी और को और ये सर ठीक है फिर भाई इसमें आप देखो अपना नेट का इश्यू किसी कहीं क्लिक कर दिया हो आपने ठीक है तो जो ऊपर वाली है आपकी उसमें एल क्यूब था नीचे वाली में आपका एक्स क्यूब था एल जो होता है स्मॉल एल वो थी किस डिस्टेंस पे कर्व के along आप ले रहे हैं और ये ये वाला जो है है से आ, आपका तो ये है बस याद करने में आसानी हो जाएगी ऊपर वाले में क्या है आपका क्यूबिक स्पायरल में है एल क्यूब और पैराबोला में है, एक्स क्यूब लास्ट है आपकी लेमस्केट कर्व इसमें भी कुछ नहीं है इस तरह की कर्व होती है जैसे मैं रेड पेन से ड्रॉ कर रहा हूँ इस तरह की कर्व है इस कर्व को बनाने के लिए ये इक्वेशन काम आती है ठीक है इक्वेशन ऑफ बर्नौली इसमें जो आपका पोलर डिस्टेंस ये है पोलर डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट ये वाला ठीक है एट एंगल एल्फ़ा ये एल्फा है तो साइन टू एल्फा और के आपका कोई कॉन्स्टेंट है ठीक है इस इक्वेशन से आप कर लोगे आपको इसकी प्रॉब्लम सॉल्व करनी होगी देखो नूमेरिकल इसके इस चीज़ पे बेसिस पे एग्ज़ाम में क्या आ सकता है कि क्लासिफाई दी क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांजिशन कर्व तो आपको तीनों कर्व के नाम डायग्राम और ये इक्वेशन लिखनी इतनी बड़ी चीज़ नहीं है याद हो सकती है और इसके ऊपर अगर इक्वेशन याद हो तो नूमेरिकल ही बहुत छोटा आता है इसके बाद है आपका लेंथ ऑफ द ट्रांजिशन कर अभी तक हमने लेंथ सर्कुलर कर्व की लेंथ निकाली थी इक्वेशन याद हो आपको तो अब आ रहा है लेंथ ऑफ द ट्रांजिशन कर्व ये डिपेंड करता है कि क्या कंसीडर करके आप इसकी लेंथ को निकाल रहे हो ठीक है तो ये अलग अलग पॉइंट्स हैं इनको डिस्कस कर लेते हैं फर्स्ट है आर्बिट्रेरी रेट ऑफ सुपर एलिवेशन सेकेंड है टाइम रेट फिर होगा स्पीड समझ रहे हो जो ट्रांजिशन कर्व की जो लेंथ है उस लेंथ को निकालते वक्त आप कौन से पैरामीटर को कंसीडर कर रहे हो उस पर डिपेंड करती है उसकी लेंथ ठीक है द लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व कैन बी डिटरमाइन प्रोवाइडिंग सुपर एलिवेशन एट द आर्बिट्रेरी रेट कीपिंग द व्यू टाइम मूविंग व्हीकल लेंथ ऑफ द एल मूविंग ट्रांजिशन कर्व जो लेंथ ऑफ द कर्व है इन्होंने कहा है कि एन एच है एच मैंने इसलिए बोला था आपको याद करने को एच है आपका सुपर एलिवेशन और एन की वैल्यू वेरी कर रही है तीन से बारह तो अगर हम रेट ऑफ सुपर एलिवेशन की बात करें उसको कंसिडर करते हुए कि क्या रेट से सुपर एलिवेशन इंक्रीज हो रहा है उसको कंसिडर करते हुए और के ड्राइवर को व्हीकल को मूव करते वक्त कंफर्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है इन चीज़ों को कंसिडर करते वक्त अगर हम लेंथ निकालें ट्रांजिशन कर्व की तो वो होगी एन एच एच है सुपर एलिवेशन जिसकी इक्वेशन बी वी स्क्वायर अपॉन जी आर थी और एन आपका ये है यहाँ पे अगर आपको याद हो तो ठीक है एच की वैल्यू थी आपकी बी वी स्क्वायर अपॉन जी आर और इसमें एन और मल्टीप्लाई कर दिया एन की वैल्यू वेरी है ये आपको गिवन होगी ठीक है तो इस तरह से आप लेंथ ऑफ दी ट्रांजिशन कर्व निकाल सकते हो अगर अब इसके ऊपर है ना आपका थ्योरी में तो ऐसे ही आएगा कि लेंथ ऑफ द कर्व के क्या क्या हम कौन 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 से पॉइंट कंसीडर करते हैं नूमेरिकल आएगा तो नूमेरिकल में गिवन होगा कि लेंथ ऑफ द कर्व ट्रांजिशन कर्व निकालनी है आपको कौन से पॉइंट के लिए ठीक है ऐसा नहीं होगा कि लेंथ ऑफ द कर्व निकालो बस तो या तो आपको वो पैरामीटर दिया होगा कि आपको नोमेरिकल दिया हुआ है कि फाइंड आउट द लेंथ ऑफ ए ट्रांजिशन कर्व और एन की वैल्यू गिवन है तो आप समझ जाओगे कि आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना है तो सिंपल फॉर्मूला है तो बिल्कुल ही इसमें तो कुछ भी नहीं है अब आता है टाइम रेट ठीक है यानी कि सुपर एलिवेशन के को क्रॉस करने में एक व्हीकल को कितना टाइम लग रहा है उस बेसिस पे हम लेंथ ऑफ द ट्रांजिशन कर्व क्या निकालेंगे तो देखते हैं इसको भी सबको पता है टाइम बराबर एल बाई वी हो जाएगा ठीक है एल है आपके ट्रांजिशन लेंथ वो सॉरी ट्रांजिशन कर्व की लेंथ और वी है वेलोसिटी टी है टाइम सेकेंड्स में आप इसी फॉर्मूले से हम निकाल लेंगे लेंथ ऑफ कर्व। एच बराबर टी आर हो जाएगा ठीक है आर है आपका रेट ऑफ द व्हीकल ठीक है तो एल एच बराबर टी आर और आर की टी की वैल्यू हो गई एल बाई वी तो यहाँ पे ये इक्वेशन आ गई और यहाँ पे अगर हम पुट कर दें किसकी वैल्यू आर की वैल्यू सॉरी एल बाई वी की वैल्यू तो हमारे पास ये आ गया ठीक है दोबारा से और समझो इसको एच है आपका सुपर एलिवेशन जो इस तरह से हाइट थी ये ये है एच और यहां पे होगा आपका वहीकल ठीक है इस तरीके से आपका वहीकल होगा टी क्या है आपका कि कितना टाइम लग रहा है इसको क्रॉस करने में इस बी को एक सेकेंड में ठीक है और आपका आर क्या है रेट ऑफ दहीकल तो इन चीजों से जब एच बराबर टी आर हो गया और आर की वे, टी की वैल्यू एल बाई वी रख दिए और फिर इन दोनों इक्वेशन से आपने इन दोनों इक्वेशन से ये आ गया आपका एल बराबर वी एच बाई आर वी वैल्यू एच सुपर एलिवेशन आर की वैल्यू रेट ऑफ इंटरेस्ट ये आपको दिया हुआ रेट ऑफ वहीकल ये आपको आर गिवन होगा वी गिवन होगा एच की इक्वेशन आपको याद है और आपको एल निकाल लेना होगा तो जब हम इसमें सारी चीजें पुट करते हैं आप पर आप देखोगे इन्होंने एच की वैल्यू पुट कर दी तो बी वी क्यूब हो गया और आर जी आर हो गया कैपिटल आर फिर वी को हमने लिख लिया किलोमीटर पर आर में क्योंकि वी अभी तक हम लेते आ रहे थे मीटर पर सेकेंड में ये सब एक सिंपल करने के लिए होता है इक्वेशन ठीक है सिंप्लीफाई करने के लिए इक्वेशन

इस डायरेक्शन में रेडियल इस पॉइंट को ओ मान लो तो वो जो रेडियल इसको क्रॉस करेगा उसको बोलते हैं हम रेट ऑफ रेडियल एक्सीलरेशन तो वो जो एंगल बनेगा यहाँ पे क्रॉस करने के टाइम पे ये अल्फा होगा और टी हो गया कितना टाइम लगा तो अल्फा इसका एसलरेशन इक्वल टू अल्फा टी टी की वैल्यू एल बाई वी ऊपर से आ गई है तो यहाँ पे आ गया रेडियल एक्सीलरेशन बराबर वी स्क्वायर बाई आर ठीक है इक्वेटिंग किया दोनों इक्वेशन को तो एल बराबर वी क्यू बाई एल्फा आर आ रहा हो गया वी को किलोमीटर में लिख दिया हमने यहाँ पे तो ये आ गया एल इजकअल टू वी क्यूब फोर्टी सिक्स पॉइंट सिक्स एल्फा आर ऊपर वाले और नीचे वाले में क्या डिफरेंस है इसमें से बी आर जी हटा दिया है और एल्फा लग गया है आप देख लेना इन दोनों में क्या डिफरेंस है सेम सेम तो ये था आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ रेटरियल हाँ बताओ सर, आ, सर कुछ पूछना है मतलब मतलब तीन चार सर पुछो। सर एक पहले तो आ, मतलब, ट्रांजिशन कर्व के केस में हर बार सुपर एलिवेशन होगा ये होगा हम्म कोई भी होगी होगी कोई भी कर्व हो उसमें सुपर एलिवेशन होगा सुप, हर कर् में हर कर्व में देखो कर्व कर्व तो हो रही है प्रोवाइड कर रहे हैं जिससे हम अपना आपको डायरेक्शन को हम चेंज कर सके है ना और डायरेक्शन को चेंज करने के लिए हम कर्व दे रहे हैं जिससे हम ग्रेजुअली डायरेक्शन को चेंज कर सके और जब सर्कुलर पाथ में हम व्हीकल को रोटेट करते हैं तो एक्सीलरेशन हमें लगता है सेंट्रिफिकल फोर्स की वजह से उस एक्सीलरेशन को कम करने के लिए हमें सुपर एलिवेशन देना होगा लेकिन सुपर एलिवेशन आ, अगर हम देते हैं तो उसको ग्रेजुअली इंक्रीज किया जाए एकदम से ना सुपर एलिवेशन दे जाए धीरे धीरे सुपर एलिवेशन आ रहा है जैसे जैसे आप कर्व की ओर जा रहे हो ठीक है और कर्व सर्कुलर कर्व और स्टेट रोड को ज्वाइन करने के लिए ट्रांजिशन कर्व दी जाती है तो इससे एक और हेल्प हो जाती है ट्रांजिशन कर्व से कि आपका सुपर एलिवेशन अब ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है अगर ट्रांजिशन कर्व को रिमूव कर दो आप तो अब आप आपके पास क्या बचा स्टेट रोड ये ऐसे ये स्ट्रेट रोड है और सीधा एकदम से सर्कुलर कर्व है और फिर यूं मुड़ के आप इस रोड पे चले गए ठीक है ये यहाँ से गए और यहाँ से आए अब इतने पोर्शन में सुपर एलिवेशन होगा यहाँ पर तो सुपर एलिवेशन नहीं था अचानक से आ गया तो डिस्कम्फर्ट होता है ठीक है लेकिन अगर आप दूसरा केस देखें ये आपका है एक रोड ये आपका एक रोड है ये है सर्कुलर कर्व और बीच में एक और है कर्व जो है आपका ट्रांजिशन कर्व अब यहाँ से धीरे धीरे सुपर एलिवेशन क्योंकि कर्व भी इतनी ज़्यादा कर्व नहीं है रेडियस इसकी ज़्यादा है तो कर्व इतनी ज्यादा कर्व नहीं है कि ज्यादा सेंट्रिफिकल फोर्स लगेगा ज्यादा सेंट्रिफिकल फोर्स लगता है सर्कुलर कर्व में तो यहाँ से ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है सुपर एलिवेशन फिर यहाँ पे जो मैक्सिमम है वो हो गया फिर डिक्रीज हो रहा है तो थोड़ा सा कंफर्ट हो जाता है ड्राइवर को लेकिन ये सब चीज़ डिपेंड करती है स्पेस अवेलेबल है अगर स्पेस अवेलेबल नहीं है तो बहुत सी जगह डायरेक्टली सर्कुलर करव है और डायरेक्टली आपको सुपर एलिवेशन मिलता है डिस्कम्फर्ट होता है कोशिश करते हैं डिजाइनिंग में कि ना हो लेकिन ऐसे कई जगह रोड होती है जहां पे एकदम से सुपर एलिवेशन आ जाता है सुपर एलिवेशन होगा हर सर्कुलर पाथ पे नहीं होगा तो वहां एक्सीडेंट होने का ज्यादा खतरा है बताओ और नेक्स्ट डाउट सर मुझे एक स्पाइरल स्पाइरल थोड़ा क्यूबिक स्पाइरल ठीक है उस पर पहले मैं ले जाता हूँ हाँ बताओ तो पहली वो एक कर्व को देखकर आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि यहाँ से यहाँ तक ये ट्रांजिशन है उसके आगे सिंपल करते रह ये तो हम फिगर में स्पेसिफाइड है कि इतना रेडियस है इसके बदले तो दे हम देखते हैं तो एक एक नजर में हमारे प्लेन कर्व भी आता है तो हम आइडेंटिफाई कैसे कर करेंगे कि यहाँ से यहाँ तक ट्रांजेक्शन है उसके बाद सिंपल से और सर स्मॉल एल और कैपिटल एल है इसको कैसे मतलब समझना चाहते हैं ये थोड़ा सा ठीक है बताता हूँ देखो केस समझना है एक केस है कि रोड ये जा रही है ठीक है और एक रोड ये है और ये यहाँ पे ये इस तरीके से है व्हीकल यहाँ से आता है और एकदम से इसको टर्न लेना होता है और एकदम से वो यही चला जाता है जिससे कंफर्टेबल भी नहीं होता एक्सीडेंट होने के ज़्यादा चांस होते हैं तो गवर्नमेंट ने सोचा कि यहाँ पे क्यों ना एक सर्कुलर यू टर्न बनाया जाए जिससे वो आराम से सर्कुलर ही वो क्या कहते हैं अपना टर्न ले ले डायरेक्शन को चेंज कर ले एक ये केस हो गया इस केस में कुछ नहीं कर सकते कि सर्कुलर कर्व दे दी क्योंकि पहले से रोड बनी हुई है ठीक है अब वहाँ पे सर्कुलर पा दे तो इस केस में हम ज़्यादा नहीं सोचते केवल ऐसी नॉर्मली एक रफली सर्कुलर कर्व डिज़ाइन करते हैं बात हो रही है जहाँ पे सब कुछ नया है ठीक है गवर्नमेंट को एक रोड बनानी है यहाँ ए पॉइंट से डी पॉइंट पे रोड बनानी है ए से डी पे जाना है और रोड जो हमारे पास एरिया अवेलेबल है वो इस तरीके से एरिया अवेलेबल है हमें यहाँ पे टर्न लेना है ठीक है अब यहाँ स्ट्रेट रोड बनेगी और यहाँ पे बनेगी टर्न लेने के लिए डी पॉइंट पे जाने के लिए अब सर्कुलर कर्व यहाँ पे इन्होंने ड्रॉ कर दी और हमारे पास यहाँ पर एरिया भी अवेलेबल है ठीक है अब एरिया अवेलेबल है तो हम क्या करेंगे डायरेक्ट एकदम से सर्कुलर एकदम से रोटेट नहीं करेंगे धीरे धीरे जो रोड है टर्न लेगी धीरे धीरे टर्न लेगी इसको मिटा के दोबारा बनाता हूँ इस तरीके से इंजीनियर डिजाइन करेगा कि सी ट्रेट रोड हो जा रही है धीरे धीरे अलाइनमेंट चेंज हो रहा है धीरे धीरे रेडियस बढ़ते रिड्यूस होते आ रही है धीरे 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 इस तरीके से इस तरीके से इस तरीके से इस तरीके से जिस लेंथ की रेडियस कांस्टेंट होगी जहां पे वो सर्कुलर कर्व होगी ठीक है क्योंकि यहाँ पे रेडियस है आपकी इंफीनाइट और धीरे धीरे जाते हुए रिड्यूस हो रही है और यहाँ पे मान लो रेडियस हो गई आर और यहाँ पर भी आ रही है तो ये सर्कुलर कर्व है क्योंकि रेडियस यहाँ पे कॉन्स्टेंट है फिर रेडियस आपकी इंक्रीज होने लग गई और यहाँ पे हो गई इन्फीनाइट रेडियस ठीक है तुम्हारा जो क्वेश्चन है कि सर कैसे आइडेंटिफाई करें क्योंकि हमें पहले से ये चीज़ बनी हुई नहीं है हमें आइडेंटिफाई नहीं करना हमें डिज़ाइन करके साइट पे बनाना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप ट्रांजिशन कर्व दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो आप स्मॉल एल कितना ले रहे हो कैपिटल एल कितना ले रहे हो सारी कैलकुलेशन से कितना एरिया अवेलेबल है वो आप कर रहे हो आप ऐसा नहीं होगा कि आप रोड पे जाओगे वहां पे आइडेंटिफाई कैसे करोगे कि कौन सी है ऐसे देख के तो होगा ही नहीं थोड़ा सा हो सकता है जहाँ पे बहुत ज्यादा दिया हुआ है अभी जो मैं, मैंने इमेज दिखाई दी वहाँ पे थोड़ा सा अंदाजा हो जाता है कि यार यहाँ पे लग रहा है सर्कुलर सा है और ये ट्रांजिशन कर्व है ऐसे अंदाजा लेकिन आपको आइडेंटिफाई नहीं करना आपको बनानी है आपको डिज़ाइन करके रोड पे वो चीज़ बनानी है ठीक है पहली बात तो ये हो गई कि और ट्रांजिशन कर की लेंथ क्या होगी क्या होगा सब एरिया पे डिपेंड करता है अगर बहुत बड़ा एरिया है मान लो तुम एक याद नहीं आ रहा मेरे को एक रोड है जो वर्ल्ड की सबसे लंबी रोड है उस रोड पे जब पूरा डायरेक्शन 90 डिग्री पे आप मुड़ते हो ना तो आपको पता नहीं चलेगा कि आप 90 डिग्री पे मुड़ गए क्यों नहीं पता चलेगा आप 90 डिग्री मुड़ गए क्योंकि इतनी लंबी रोड है वो और इतना बड़ा एरिया है कि वो बहुत धीरे धीरे दिर ट्रांजिशन होता है उसमें अलाइनमेंट जो है बहुत धीरे धीरे चेंज होता है आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप 90 डिग्री पे मुड़ चुके हो क्योंकि एरिया बहुत सारा अवेलेबल है कम्फर्ट जोन उसमें बहुत ज्यादा हो गया तो सारा चीज ये डिपेंड करता है कि हमारे पास स्पेस कितना अवेलेबल है इतना स्पेस है तो यहाँ पे यार हम कौन सी कर्व दें क्यूबिक स्पाइरल आ पा रही है कि क्यूबिक पैराबोला आ पा रही है कौन सी यहाँ पे ट्रांजिशन कर्व आ रही है ट्रांजिशन कर्व आ ही नहीं पा रही है ठीक है तो ये है एक आपका क्वेश्चन था कि स्मॉल एल और कैपिटल एल क्या है ठीक है याद हो आपको तो मैंने एक जब सेटिंग आउट कर्व का कर रहे थे तो वहाँ पे एक्स डिस्टेंस थी और मैंने कहा था कि एक्स डिस्टेंस वो है कि, कि कितने डिस्टेंस पे आप ऑफसेट ले रहे हो और न्यूमेरिकल भी क्या था इसमें एक्स की वैल्यू टेन मीटर गिवन थी ठीक है तो बेस ऑन एक्सपीरियंस ये और स्पेस और प्रोजेक्ट के बेस पे कि कितने पॉइंट्स हमें लेने हैं तो एल जो है स्मॉल एल जो है वो वाई का डिस्टेंस बता रहा है मान लो इंजीनियर ने कह दिया हर पाँच मीटर पे ऑफ सेट लो वाई निकालो हर पाँच मीटर पे और वाई निकलता रहेगा पॉइंट निकलते रहेंगे कर्व एस्टेब्लिश होती रहेगी और जब हम पूरे अपने सर्कुलर कर्व से कनेक्ट हो जाएंगे तो टोटल तो जो होगी स्मॉल एल को जब हम ऐड करेंगे तो हमें टोटल तो मिल जाएगी कैपिटल एल कितनी हमारी लेंथ ऑफ द टेंशन कर्व है तो ये सब बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस और एक्यूरेसी और प्रोजेक्ट पे बेस होती हैं कुछ चीज़ें जैसे स्मॉल जो ऑफसेट का डिस्टेंस है मान लो सौ मीटर है सौ मीटर आपको लग रहा है कि सौ मीटर है इंजीनियर को लग रहा है सौ मीटर है कह रहे है यार ऐसा करो दस दस मीटर के दस पॉइंट ले लो उससे ही हमें कर पता चल जाएगी कैसी कर हमें मिलनी है ठीक है और बताओ कोई डाउट और डिटेल में ना ट्रांसपोर्टेशन में और आप सीख जाओगे बिल्कुल इसको सॉफ्टवेयर भी आते हैं इनके ऐसा नहीं है कि हम ये सारी कैलकुलेशन ऐसे ही कर लेते हैं हाथों से इनके सॉफ्टवेयर भी आते हैं जिनका नाम है एमएक्स रोड स्टैट प्रो आपने सुना होगा बिल्डिंग डिजाइन के लिए आता है बैंडली ने एक सॉफ्टवेयर निकाला हुआ है एमएक्स रोड जो हमारे पास है लैब में जब ट्रांसपोर्टेशन होगा तो आपको सिखाया जाएगा उसमें आप हाईवे ब्रिज ये सब डिज़ाइन करते हो तब ये सारे पैरामीटर सुपर एलिवेशन ये सब उसमें आते हैं डालने के लिए कि आपको कितना डालना है कितना नहीं डालना वो सब अभी बस बेसिक हमें सीखना है सर्विंग के हिसाब से एक नूमेरिकल है इसके ऊपर बोल रहा है कि मैक्सिमम स्पीड जो अलाउ की गई है कर्व पर वो सिक्सटी किलोमीटर पर आर है रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियल एसिलेशन जीरो पॉइंट थ्री मीटर पर सेकंड स्क्वायर पर सेकंड है ठीक है यानी कि ये जो कर्व है इस पर जो स्पीड है वो 60 है बट रेडियल रेडियल का मतलब होता है ये कि इसको क्रॉस करने में ये कितने सेकंड लगा रहा है और कितने एंगल पे लगा रहा है ऐसे रेडियल रेडियल एक्सीलरेशन ये होता है कैलकुलेट द लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर रेडियस ऑफ द कर्व इज 150 मीटर आर है 150 मीटर तो फार्मूला है हमारे पास एल इज टू वी क्यूब बाई फोर्टी सिक्स पॉइंट सिक्स इज एल्फा आर ठीक है अल्फा कैमरे रेडियल एसिलेशन और सब चीजें हमने डाली तो हमारे पर लेंथ ऑफ द ट्रांजिशन करवा गए 102.87 मीटर सेकेंड क्वेश्चन गिवन है ए ट्रांजिशन कर्व इज रिक्वायर्ड टू इंट्रोड्यूस बिटवीन स्टेट एंड सर्कुलर कर्व ऑफ रेडियस 350 ये तो पता ही है हमें कह रहा है कि ट्रांजिशन कर्व हमें बनानी है किसके बीच में स्ट्रेट रोड और सर्कुलर कर्व के बीच में जबकि सर्कुलर कर्व के रेडियस 320 मीटर है तो आप डिटरमाइन कीजिए लेंथ ऑफ द कर्व जिसमें मैक्सिमम सुपर एलिवेशन जो है रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है जीरो पॉइंट वन मीटर ठीक है और गेज दिया हुआ है मीटर गेज गेज बोलते हैं वो बी की वैल्यू जो आपको इस तरह से बनाता है यहाँ पे बी था कैपिटल बी ठीक है ये कितना है वन मीटर और ये कितना है जीरो पॉइंट वन मीटर एच की वैल्यू तो ये एच का फॉर्मूला अगर लगाते हैं तो एच की है बी गीवन है जी गीवन है आर कीवन है वी निकाल सकते हो आप तो वेलोसिटी 17.72 मीटर पर सेकंड अगर v निकल गया तो v से आप निकाल सकते हो लेंथ ऑफ दर्व ये फॉर्मूला है लेंथ ऑफ दर्व का वी एच बाई आर आर आपको गिवन है और आपको v गिवन है h गिवन है आप निकाल सकते हो ठीक है तो सारी चीज़ें आपको गिवन है और आपने लेंथ ऑफ द कर्व निकाल ली ये मैं आपको भेज देता हूं और आप इसको एक बार ट्राई करना दूसरा दिया हुआ है नेक्स्ट आपका दिया हुआ है क्या कहते हैं कि एक से पांच सौ पांच सो जो एन की वैल्यू है एल इज कल टू एन एच एच बी की वन है एन बी की वन है तो यहाँ पे एलिवेशन की सुपर सॉरी लेंथ ऑफ देशन कर निकल जाएगी आपकी हंड्रेड मीटर अब देखो यहाँ पे 100 निकली है पीछे कुछ और निकली है मतलब कि सारी चीजें ना इसमें बहुत सारी चीजें एज्यूम की जाती हैं बहुत सारी चीजें एक्सपीरियंस बेस्ड होती हैं बहुत सारी चीजें रैंडमली होती हैं तभी चीजें डिजाइन होती हैं जितना ज्यादा आप रैंडमली नहीं लोगे एक्सपीरियंस बेस्ड नहीं लोगे कैलकुलेशन बेस्ड लोगे उतनी ज्यादा एक्यूरेसी बढ़ जाएगी तो ये था आपका ट्रांजिशन कर उसके बाद आता है आपका ट्रांजिशन कर्व का सेटिंग आउट और आता है आपका कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रांजिशन कर फिर खत्म हो जाएगी उसके बाद आता है वर्टिकल कर्व उसका बेसिक है और आपके फ्री यूनिट कोशिश करेंगे खत्म हो जाए इस वीक में है न्यूमेरिकल जो है ये आपका एस अगर होता है या पी होता है तो थोड़ा सा इनको स्टार कर लेना इसको मैं देखो ये रार फाइल बना रहा हूं इसका नाम डाल रहा हूं ट्रांजिशन कर ठीक है और ये ट्रांजिशन कर मैं अपलोड कर देता हूं यहां पे कहा है यहां फाइल में अपलोड कर देते हैं ठीक है ये हो गया तो यहाँ से आप ये नोमेरिकल देख लेना यहाँ पे आपको फाइल में मिल जाएगा ट्रांजिशन कर ये आ गया देखो ट्रांजिशन कर ठीक है यहाँ से डाउनलोड करके आप इसको एक बार ट्राई करना कुछ ना समझ में आए कि सर ये इक्वेशन यहाँ कैसे आ गया ये कैसे आ गया तो पूछ लेना ठीक है कोई भी ऐसा अगर आपको पढ़ते वक्त कोई भी दिक्कत आती है ना तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज पर्सनली कर सकते हो कि ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो उसी वक्त मिल जाएगा आंसर नहीं होगा तो थोड़ी देर बाद कुछ देर टाइम बाद मिल जाएगा तो पर पूछ लेना इस तरह से ठीक है ना पढ़ाई छोड़ना मत ठीक है ट्वेंटी फाइव ही स्टूडेंट है मुझे पता है ये लंच के बाद जितने भी लेक्चर होते हैं उसमें स्टूडेंट पता नहीं कहाँ चले जाते हैं सो जाते हैं क्या है ठीक किसी और का कोई और डाउट हो तो ठीक है वरना लीव करते हैं क्लास को अच्छा ये एक चीज़ मेरे को बताओ ज़रा जब आप यहाँ पे जाते हो अपने क्या कहते हैं सब्जेक्ट की एक्टिविटी में तो आपको यहाँ पे ये लेक्चर ऐसे नहीं मिलते जैसे देखो ये लेक्चर है अभी सर्वेइंग का लेक्चर है नोमेरिकाली यहाँ पे दिया हुआ है तो आपको ऐसे नहीं दिखाई देते है? कि आप यहाँ से चेक कर लो एक्टिविटी में बताओ कोई चेक नहीं करा सर कभी चेक करना कभी कि वहां पर ही दिख जाएंगे तो ओलंपस पे क्यों डाला जाए यहाँ पे एक बार चेक कर लेना एक्टिविटी में लेक्चर आते ही नहीं आते ठीक है आते हैं सर ठीक है